इस ऐप के अंदर काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा और इंटरेक्शन तो होगा ही हमारा, वन टू वन कनेक्शन होगा मेरे फैंस के साथ, मेरे दोस्तों के साथ। वीडियोस देख पाएंगे मैं, वो मेरे वीडियोस देख पाएंगे, मैं उनके वीडियोस देख पाऊँगा, मैं सिखा पाऊँगा लोगों को इस ऐप के ज़रिए, और मैं लोगों को सेलेक्ट कर पाऊँगा। जैसे टैलेंट मुझे चाहिए होता है, टैलेंट चाहिए होता है मुझे, डांस के लिए चाहिए होता है, फिल्म के लिए चाहिए होता है। सो इट्स स्पेशल थिंग ये है कि ये सिर्फ डांस के लिए नहीं होगा, ये एक्टिंग के लिए भी होगा। एक्टर्स भी चाहिए होते हैं मुझे, क्योंकि मैं फिल्में बनाता हूँ, मुझे वो भी चाहिए होते हैं। सिंगर्स गानों के लिए चाहिए होते हैं। तो एवरीथिंग इन वन प्लेटफॉर्म। सो ऐसा नहीं है कि एक चीज़ के लिए कहीं और जाओ, एक चीज़ के लिए कहीं जाओ, सब एक ही चीज़, एक ही जगह पे सब कुछ मिलेगा आपको। आई थिंक कंपटीशन तो ऑफकोर्स बढ़ेगा, लेकिन मैं कंपेयर नहीं कर सकता इन लोगों के साथ, क्योंकि ये तो बहुत बड़े स्टार हैं। मैं तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरा छोटा मोटा एक मीडियम है जहाँ पे मैं अपना अपनी दुनिया में रहना चाहता हूँ। तो कंपैरिजन तो नहीं है और ना ही कंपटीशन है, क्योंकि अगर कंपैरिजन नहीं है तो फिर कंपटीशन तो रहा ही नहीं। तो अच्छा है, वो दे आर बिग स्टार्स एंड सुपर स्टार, और मैं अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ, उतना काफ़ी है मेरे लिए। जी वही आइडिया वही है कि जो रियलिटी शो जो मैं करता हूँ उसमें सिर्फ मुझे गिने चुने लोग मिलते हैं, क्योंकि जब मेरे सामने आते हैं तब तक वो छाट के आते हैं ना, वो बाकी सिर्फ सिलेक्टेड फ्यू आते हैं मेरे सामने। बट मेरे वो जो बेचारे जो 100-500 लोग जो हैं, जो ऑडिशन तक भी नहीं पहुँचे होंगे, वो उन लोगों के वो लोग तो कभी आ ही नहीं पाते मेरे सामने। तो ये आइडिया वो है कि वो सब भी मेरे सामने आए, कि ना ही सिर्फ ये सिलेक्टेड वंस, बट वो सब भी जो नहीं आ पाते हैं इस तक, वो सब भी मेरे सामने आए। तो वही है। तो यस ऑफकोर्स मैं बहुत क्लोज हो जाऊँगा अपने फैंस के। सो वही चाहिए था मुझे। अभी तक कुछ नहीं डिसाइड किया है और ना ही कुछ ऐसा क्लियर है। जैसे जैसे क्लियर हो जाएगा, मैं आई थिंक एक बड़ा अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो मैं काफ़ी कुछ बता पाऊँगा मैं इसके। डांस जो जितना कुछ वो सुपरस्टार ने कहा है, शायद वो उससे एकदम सही कहा है, तो उसी के ऊपर होगी, डांस की होगी। ABCD3 भी रेडी है, स्क्रिप्ट रेडी है, सब कुछ रेडी है। सो मोस्ट प्रॉब्ली उसका भी व्यूवर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू, अब तक जितना प्यार दिया आपने इसी तरह देते रहना, और ये छोटी सी कोशिश है ऐप की और आपके लिए। तो होप कि आपको अच्छा लगे, एंड आई एम श्योर कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, दिन जाते रहेंगे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती रहेगी। सो प्लीज़ अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ डाउनलोड कर दीजिए।